नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चारू और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कनपुरिया चारू में बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों मैं फिर से आपको कानपुर की बहुत ही मशहूर लेदर मार्केट में लेकर के आई हूं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि कानपुर लेदर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। सो फ्रेंड्स, आइए कुछ नज़ारे देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शूज़ लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छे भी हैं। और यहाँ पर आप यकीन नहीं मानेंगे, ये पूरी मार्केट लेदर की है और मात्र 300-300 रुपये में यहाँ पर अच्छे से अच्छे शूज़ आप ले सकते हैं। फॉर्मल भी ले सकते हैं और आप जैसा जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा हो उस हिसाब से भी ले सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बाहर सेल लगी हुई है और सभी के दाम अलग अलग हैं, 200 रुपये के हिसाब से, 300 रुपये के हिसाब से। और अंदर जाकर के आप महंगे से महंगे शूज़ यहाँ पर ले सकते हैं। मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, मैं आपको कानपुर के जो प्योर लेदर के पर्स रहते हैं, बेल्ट रहती हैं, सब कुछ दिखाने वाली हूँ। और अभी तक अगर आप इस मार्केट नहीं गए हैं, एक बार ज़रूर जाइएगा, आपको कम से कम 200 दुकानें यहाँ पर ऐसी दिखेंगी जो सिर्फ लेदर का ही सामान बेचते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट शॉप है ये नुजूम फैशन करके, चलिए यहाँ पर चलते हैं और यहाँ का कलेक्शन देख सकते हैं आप। पर्स से मैंने स्टार्टिंग करी है और यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मात्रा में पर्स लगी हुई है, सब लेदर की है। इसके बाद ऊपर मैं आपको कैमरा टर्न करके दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर देख सकते हैं कि बेल्ट भी बहुत ज़्यादा संख्या में लगी हुई हैं। और आप सभी जानते हैं कि लड़कों को थोड़ा लेदर का सामान कुछ ज़्यादा ही पसंद आता है, तो आप देख सकते हैं लेदर ही क्या बल्कि यहाँ पर आपको अगर आप रैक्सीन चाहेंगे तो रैक्सीन भी मिल जाएगा और बहुत ही उचित दामों में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कानपुर में टेनरी का बहुत ज़्यादा काम होता है, तो ये बिल्कुल जाजमऊ के पास ही मार्केट बनाई गई है, जिनमें थोड़ा सा भी अगर डिफेक्ट है तो वो आपका कम दामों में शूज़ वगैरह चला जाता है, बट होता पूरा वो लेदर का ही है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी सेल लगी हुई है, मात्र 300-300 रुपए में है। सभी के ऊपर रेट इन्होंने टांग रखे हैं, इसलिए मैं आपको हर जगह नहीं बता रही हूँ, ये ओवरऑल 300 के हैं। जहाँ पर दाम बढ़ा होगा मैं आपको कैमरा टर्न करके दिखा दूँगी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स शूज़ भी हैं काफ़ी अच्छे अच्छे। दोस्तों ये दुकान काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, चलिए और अंदर चलते हैं, देखते हैं और अंदर कैसा क्या कलेक्शन है। और देख सकते हैं मैंने बताया था 300 रुपए की यहाँ पर सेल लगी हुई है, 300 रुपए में आप ये सब ले सकते हैं, जो भी आपको पीस पसंद हो उस तरीके का आप शूज़ ले सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए और भी डिज़ाइनर हैं, जैसा जो आप लेना चाहें। दोस्तों एक बार मैं लोकेशन की फिर से बात करना चाहूँगी कि कानपुर में जाजमऊ के पास, जब आप रामा देवी के लिए निकलेंगे तो जाजमऊ के पास ये मार्केट आपको मिलेगी। किसी से भी आप पूछ लीजिए, जाजमऊ की लेदर मार्केट जाना है या फिर जाजमऊ की KDA मार्केट जाना है तो आपको यहाँ पर पहुँचा देंगे। तो बहुत ही अच्छी ये लोकेशन है, अगर आपको लेदर के लिए आप कुछ निकले हैं मार्केट में लेदर का लेने के लिए तो बहुत ही अच्छी है। फिर क्यों ना लेडीज पर्स हो, हैंडबैग जो आते हैं, क्लचेस हो या बेल्ट हो, पर्स हो, शूज़ हो, जैसा भी हो, आपका बहुत ही अच्छा यहाँ पर सामान मिल जाएगा, महंगे से महंगा मिल जाएगा और सस्ते से सस्ता भी मिल जाएगा। सस्ता मैं इसलिए कह रही हूँ दोस्तों कि मैन्युफैक्चरिंग में अगर थोड़ा सा भी डिफेक्ट हो जाता है तो ये लोग कम दामों में उस शूज़ को बेच देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ उसे फिर एक्सेप्ट नहीं करती हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, तो अगर आप जाना चाहें जा सकते हैं। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको इस तरीके के वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए। आप लोगों के लिए मैं पूरा कानपुर घूम घूम के अच्छे से अच्छा वीडियो लाने की कोशिश करती हूँ कि जहाँ आपको कम दामों में अच्छी से अच्छी चीज़ मिल सके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं और भी डिज़ाइनर अलग अलग तरीके के शूज़ लगे हुए हैं। अब लड़कियों की चॉइस है, देख सकते हैं अलग अलग प्रकार की रहती है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं और यहाँ पर बूट्स भी हैं ऊपर, जैसा कि मैंने दिखाया हुआ है। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर शूज़ का कलेक्शन। अब मैं आपको थोड़ी देर बाद ले चलूँगी लड़कियों के लिए जो हैंडबैग्स आते हैं वो भी लेदर के हैं, उनकी कॉस्ट भी लगभग आपको 1000 से 1500 के बीच मिल जाएगी, जबकि जब आप लेने मार्केट में जाएंगे तो कम से कम आपको 2500 से 3000 का प्योर लेदर का पर्स मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अब आइए चलते हैं नेक्स्ट शॉप पे। और यहाँ पर आपने शूज़ का कलेक्शन देख ही लिया है और दुकान का नाम मैंने स्टार्टिंग में दिखाई दिया था। दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड फुटवियर करके भी है, ये भी काफ़ी बड़ी दुकान थी। मैंने आपको बताया जब आप इस गली में जाएंगे तो आपको लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में सिर्फ और सिर्फ फुटवियर की ही दुकान मिलेगी, जो कि प्योर लेदर का सामान बेचते हैं। दोस्तों इसके बाद एक अगली ये शॉप है, देख सकते हैं डबल स्टोरी की है, चलिए इसके अंदर मैं आपको ले आई हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैग का कलेक्शन काफ़ी अच्छा है और सारे ये लेदर के लगे हुए हैं, कोई भी आप ले 1000-1500 के बीच में आपको मिल जाएगा। और थोड़ा सा भी अगर और महंगे में जाएंगे तो आपको 3000 तक भी यहाँ पर पर्स देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर भी इन्होंने शूज़ का कलेक्शन काफ़ी रख रखा है,
जैसा कि मैंने दिखाया भी, ये पूरी मार्केट शूज़ की है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ और नहीं दिखा सकती, कपड़े वगैरह नहीं दिखा सकती। सो फ्रेंड्स, फाइनली आप दूर से इस मार्केट को देख लीजिए। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर करिएगा, उनको काफ़ी हेल्प होगी। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा।